so now we will see the effects on professional trends what this assessment and evaluation has uh, effect on our professional standards certain harmful educational practices in early childhood education have come to be associated with the practice of early grade testing as raising the mean age in the class some children enter kindergarten at age 5 while others enter at age 6 इवन दो देर ऑफ लीगल एंट्री एज ऑफ फाइव अब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपकी स्टैंडर्डाइज असेसमेंट और इवेलुएशन का असर पे है, बच्चों पे है बल्कि पूरा प्रोफेशनल सेटअप बदल गया है बच्चे जो पहले छोटी एज में आराम से स्कूल आ सकते थे अब वो नहीं आ सकते इसलिए कि वो आपके बेंच को और आपके स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरते उसको पूरा नहीं कर सकते तो अब वो बच्चे जो पहले चार साल की उम्र में आ सकते थे आपके स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए उनको पाँच साल का होना है या उनको छ साल का होना है जिसकी नस्वत यह होगा कि वो देर से अगले एजुकेशनल मराहल जो हैं वो तय करेंगे तो हमें खुद याद पड़ता है पाकिस्तान के अंदर ये हिस्ट्री थी कि पब्लिक स्कूल जो थे उसमें अव्वल अदना थी और अव्वल आला थी यानी एक क्लास वो फर्स्ट क्लास से पहले सिर्फ जो है वो पढ़ा करते थे और उसके बाद वो क्लास वन में आ जाते अब हमारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर आपकी प्रिपेटरी क्लास है बल्कि सबसे पहले प्ले ग्रुप है फिर उसके बाद नर्सरी है फिर उसके बाद प्रिपरेटरी क्लास है उसके बाद वन है तीन साल तो आप वन तक पहुंचने में लगाते हैं यही तीन साल अगर आप अपने करियर में ऐड करें तो क्या तीन साल पहले बच्चे माशरे के अंदर अच्छे प्रोफेशनल बन के नहीं आ जाएंगे तो इन चीज़ों ने इस पे क्या है इस पे कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ी है इस पे टाइम भी ज़्यादा पड़ी है और वजह सिर्फ ये है कि आपने अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा लिया हुआ है टुडे द एंट्रेंस एज कट ऑफ डेट्स फॉर किंडर आर नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द नेशन अगली बात यह है कि प्राइवेट स्कूलों को जैसे मैंने अर्ज किया उनके मैार और हैं पब्लिक स्कूल के मैार और हैं और मदारस के मैार और हैं तो जब तरह तरह के इधारों के अपने मैार होंगे तो हमें यही नहीं पता होगा कि किस उम्र में बच्चा किस जमात में जाएगा क्योंकि वो तो इधारे पे बेस करता है इधारा बताएगा कि उसको तीन साल वन से पहले लगाने हैं या एक साल लगाना है या वो दाखिल ही जाके सातवें साल में होगा तो इस तरह से हम यूनिफॉर्मिटी को भी डनाई कर रहे हैं प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग द एवरेज एज इन क्लास सीम्स लाइक एन एडजस्टमेंट बट इट्स इफेक्ट दैट इट चेंजेज द रोल एंड फंक्शन ऑफ अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन जब हम बच्चे की उम्र बढ़ा देंगे और गैर जरूरी तौर पर उस पर बहुत ज्यादा हैवी सिलेबस जो है वो इम्पोज करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस पहली तो बात है मान पड़ जाए दूसरी तो बात यह है कि बहुत से साल ज़ाया कर दिए जाते हैं बच्चों के एक खास स्टैंडर्ड पे पहुँचाने के लिए कि वन क्लास के अंदर किसी जमाने में जो हम सेकेंडरी uh, क्लास में सब्जेक्ट में चीज़ें शामिल होती थी जैसे हार्ट के हार्ट के क्या फंक्शन है लंग्स के क्या फंक्शन है वो अब प्रेप क्लास में आए पड़े हमने अपने सिलेबस को धकेल दिया है नीचे की तरफ तो इससे क्या है जैसे मैंने अर्ज किया कि uh, पूरी जो नेशन है वो अपने बच्चों को uh, उनका वक्त भी ज़्यादा ले रही है उसके ऊपर कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है पेरेंट्स की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है एक साल की फीसें आप मिलाएं और उस तीन साल के अरसे को देखें वो तीन साल कितने पैसे अदा करेंगे बच्चे को वन में लाने के लिए तो वो एक ओवरऑल इकोनॉमिक जो है वो लॉस है लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को ये देखे बगैर कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे इसके इफेक्ट क्या होंगे हम उनको एक उस खास उसको दायरा में लाने पर मजबूर हैं मैनी चिल्ड्रेन पर्टिकुलरली रिजाइड इन होम्स ऑफ इकोनॉमिक पॉवर्टी मे फाइंड फॉलिंग फादर एंड फादर बिहाइंड तो नतीजा इसका क्या है रिजल्ट इसका ये है कि वो बच्चे जो गरीब हैं गरीब वालदन से ताल्लुक़ रखते हैं वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इतने ज़्यादा पैसे कि सालों साल वो सिर्फ पहली जमात में आने के लिए पैसे खर्च करते रहे और उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए वो छः साल के हो जाए तब भी ना कर पाए सात के हो जाएँ तब तब भी ना कर पाए कब आखिर वो वहां पर पहुंचेंगे दूसरा ये कि हमने कहा कि अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन हमारी आठ साल तक है तो वो बच्चा जो आठ साल में उसको अर्ली चाइल्डहुड के सारी चीज़ें उसको हासिल होनी चाहिए थी वो तो घर बैठे ही उसकी निकल गई उम्र तो स्कूल में उसको क्या मिलेगा इसका मतलब ये है फिर मैं अर्ज करूंगी कि हमारी असेसमेंट और इवेलुएशन को इंडिजिनस होना है ट्रैक्टल होना है हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटी और मार्जिन देना है और रेडिनेस के लिए बजाय स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने के हमें उनको बेसिक उनकी जो आप व्यू समझिए सोशल ट्रेनिंग है या मॉरल ट्रेनिंग है वो देखने की जरूरत है उनकी कॉग्नेटिव एबिलिटी देखने की जरूरत है कि आया वो बात समझ सकते हैं अगर वो समझ सकते हैं सुन सकते हैं रिस्पोंड कर सकते हैं तो दे आर रेडी फॉर देट सो उनको जिन इब्तदाई क्लासेस में लिया जाए कम अज कम उससे पहले स्टैंडर्ड ना तैयार कर लिए जाए क्योंकि वो स्कूल में आएंगे तो हम कोई होमोजेनेस सिलेबस उनको देंगे जिससे सारे बच्चे एक ही तरह की तरबियत आसानी से पा सकते हैं